हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक फ्रॉम अभिषेक कंपटीशन कोचिंग। ये ट्रिक नंबर टू मैं आपको बता रहा हूं, जो कि रेलवे के एग्जाम के लिए आपको जाना बहुत जरूरी है, वो है टेक्निकल फॉल्ट। स्टूडेंट जो टेक्निकल फॉल्ट करते हैं, वैसे फॉल्ट तो होता है फॉर्म भरने में, फॉर्म तो भरा जा चुका है और उसका आएगी एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बाद आपको जाना कर एग्जाम देना है। तो अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपके पास एडमिट कार्ड आया, तो जाते समय आपको क्या सब तैयारी करके जाना ताकि ये फॉल्ट नहीं लगे। तो सबसे पहला नंबर तो आपके पास एडमिट कार्ड का वो कलर एडमिट कार्ड निकलवा लीजिएगा। अपना जो भी एडमिट कार्ड रहे उसका कलर एडमिट कार्ड आप निकलवा लीजिए, जिसमें आपका फोटो कलर रहे। और उसके बाद एडमिट कार्ड में जितना इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको अच्छी तरह से पढ़िए। यदि इंग्लिश नहीं आती पढ़ने के लिए तो किसी और से पढ़वाइए, उसको अच्छी तरह समझ लीजिए। इसको 2-3 जेरोक्स करवा लीजिए, 1-2 कॉपी आप घर में रख लीजिए, 1-2 कॉपी साथ में लेके जाइए। उसके बाद जैसे एडमिट कार्ड आया तो उसको आप लेमिनेशन मत करवाइए, उसको प्लास्टिक का ऊपर कवर मत चढ़वाइए, उसको बस ऐसा ही अच्छी तरह से रख लीजिए। ये तरह एडमिट कार्ड आपका सुरक्षित होना चाहिए आपके एग्जाम सेंटर में। अब देखिए बहुत होता है कि एडमिट कार्ड आपको, बहुत से स्टूडेंट एडमिट कार्ड सोचते हैं कि एग्जाम के समय ही निकाल या फिर वहाँ पर निकाल लें। जैसे ही आपके पास एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आया आपके ईमेल पे, तो आप उसी समय एडमिट कार्ड का उसका रंगीन फोटोग्राफ यानी रंगीन कॉपी निकलवा लीजिए, 1-2 जेरोक्स करवा के घर में रख दीजिए, 2-3 साथ में रखिए, ताकि आपको फ्यूचर में काम दे। बहुत सारे स्टूडेंट उसको क्या करते हैं, बस एक ही निकलते हैं, वहाँ पे जाते हैं एग्जाम सेंटर में और एग्जाम सेंटर में एडमिट कार्ड ले लेता है, तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं बचता है। तो इसके बाद वो रिजल्ट कैसे चेक कीजिएगा, तो ये आप फॉल्ट नहीं करना है। एडमिट कार्ड तो सबसे पहली चीज़ हुई। एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उस इंस्ट्रक्शन को स्टूडेंट नहीं पढ़ते या फिर किसी से नहीं पढ़वाते हैं, वो लगता है कि नॉर्मली ये चीज़ ऐसा ही दिया हुआ है, बस वो नॉर्मली चले जाते हैं। लेकिन देखिए उस इंस्ट्रक्शन को पढ़िएगा तो आपके पास ज़रूर से ज़रूर दो चीज़ की मांग करेगा। वो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड या फिर जो भी परमानेंट जो भी आपको सेंट्रल में मान्य हो उसको आपको रखना, कॉलेज आईडी कार्ड नहीं चलेगा। हम एक बार कॉलेज आईडी कार्ड लेके गए थे कानपुर लखनऊ मेट्रो का एग्ज़ाम देने के लिए, और हम सारा दिन कानपुर जू में घूमते रहे थे क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं किया था, मेरे पास आधार कार्ड नहीं था, घर पे छूट के था। तो ऐसा नहीं करना, आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए और आधार कार्ड का 1-2 कॉपी भी करके रख लीजिए। तो ये रहा, उसके बाद आपके पास बैग है जो ये सब चीज़ नॉर्मल चीज़ है, ये आपके होना चाहिए। उसके बाद 2-3 फोटोग्राफ रख लीजिए पासपोर्ट साइज में। अब कोई कोई एग्ज़ाम में पूछता है कि इसका आपको पासपोर्ट नहीं, आपको ये स्टाम्प साइज में आपको फोटोग्राफ चाहिए, तो वो एडमिट कार्ड में दिया रहेगा। आपको जो चीज़ मांग करता है उतना चीज़ को पूरा करके आप जाइए वहाँ पे, 1-2 फोटोग्राफ एक्स्ट्रा लीजिए। फोटोग्राफ एक्स्ट्रा इसलिए लेता है कि एडमिट कार्ड का बहुत लोगों को होता है कि एडमिट कार्ड पर फोटोग्राफ नहीं उग पाता है, यानी कि फोटोग्राफ जो होता है वो सही से नहीं देता है, इसलिए वहाँ पे एग्जाम सेंटर के अंदर में आपसे वो बोलता है फोटो यहाँ पे चिपकाइए, उस पर साइन कर देता है, आपसे भी करवाता है, इसलिए वो एक्स्ट्रा फोटोग्राफ मांगता है। वैसे जितना ज़रूरी नहीं होता लेकिन ये ज़रूरी होता है। उसके बाद उसका ये यानी कि एडमिट कार्ड में जितना चीज़ आपको बोल रहा लाने के लिए उतना चीज़ लेके जाइए और वहाँ पे जाइए। उसका फिर आपके पास मोबाइल फ़ोन तो ले ही जा सकते हैं, एग्जाम सेंटर में व्यवस्था होती है वो उसको बैग को रखने की जो भी चीज़ है। उसे मैं आपको एक वीडियो में और बताऊंगा कि आपके पास एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले आप कौन कौन बातों का ध्यान रखें, ये सब चीज़। तो ये टेक्निकल फॉल्ट में इतना बात आता है कि ये सब चीज़ छूट जाता है घर पर, तो वहाँ पर जाकर दिक्कत हो जाती है। उसके बाद फिर जब आप जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर के अंदर में, तो उसके बाद आपको क्या है, जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर पे चले गए, आपके पास एडमिट कार्ड पैसा वैसा सही रख लीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पेपर के साथ क्या हो, जैसे कि हम क्लास में एंड करते हैं तो हमारे माइंड में क्या समझ में आती है, जैसे क्लास में हम एंड किए और वहाँ पर मेरा रोल नंबर जो भी देख करके सीट जहाँ पर है मेरा वहाँ पर जाके बैठ गए, उसके बाद मेरे पास बैग बाहर रखवा देता है, ये सब चीज़ बाहर रख देता है। उसका देखिए कि आपके पास आते हैं जो टीचर आते हैं वहाँ उस स्कूल का, जो वहाँ का जो टीचर स्टाफ होता है वो आता है आपके पास, और वो आता आपके पास और वो आपको तरह तरह का इंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से देता है। वो आपको इंस्ट्रक्शन जैसे कि गेट से इन किया, बोला उसके पास ये नहीं ये नहीं ये नहीं, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना या फिर इसको ऐसे करना ऐसे करना, वो बहुत तरह तरह के आपको इंस्ट्रक्शन देगा। उसके इंस्ट्रक्शन को उतना फॉलो नहीं करना है जितना वो बोलता है, उतना आपको फॉलो नहीं करता है। हो सकता है वो तो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ पे एक दिन का उसको मिलेगा और वो आपका फ्यूचर बर्बाद हुआ तो उसका इसमें कुछ नहीं जाएगा। और इसी तरह से एक बार एग्ज़ाम हुआ था, तो उस समय ऑफलाइन एग्जाम हो रहा था, तो वो आया बोला कि कार्बन जैसे कि एंसर शीट में 2-3 एंसर शीट रहता है, तो बोला कि इस एंसर शीट को पहले उखाड़िए और रख दीजिए, तो अलग कर लीजिए। तो वो एंसर शीट सब स्टूडेंट उखाड़ लिया था, जो स्टूडेंट तो ऐसे उसको उखाड़ना नहीं था, लेकिन वो एक्चुअल में सोचे कि प्राइवेट स्कूल में एक नॉर्मल सी
मैडम मैक्सिमम मैडम ही होती है और उसको उतना बुझने नहीं आता है, वो भी वहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शन देने के लिए रहती है, और लेकिन आपको उसके बाद वो फॉलो नहीं कर, उसका काम है सिर्फ आपको आपके आप उसको जो बोलते हैं उतना चीज़ को प्रोवाइड करना, सिर्फ उतना उसका उतना ही काम है, असिस्टेंट के रूप में आपका काम करेगा। तो ये रहा, उसके बाद वो उतना फॉलो नहीं कर, तो सोचिए कि आपको क्या बात पर फॉलो करना है। तो एडमिट कार्ड में जितना बात लिखा हुआ है एग्जाम सेंटर में क्या करना है, उसका आपके पास क्वेश्चन शीट मिलता है, क्वेश्चन शीट अभी ऑफलाइन नहीं होता, ऑनलाइन होता, ऑनलाइन में आपको कंप्यूटर पर आ जाए क्वेश्चन शीट, तो उसका इंस्ट्रक्शन आएगा, उसमें जितना भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ उसको अच्छी तरह से पढ़िए, जहाँ पे समझ में नहीं आता है वहाँ से आप बगल वाले स्टूडेंट से, उस टीचर से जो आपके क्लास में होगा टीचर, उस टीचर से बेहतर आपको बगल वाला स्टूडेंट बता सकता है, आप उससे पूछ सकते हैं कि वहाँ पर उस कॉलम में उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी बात होती है इंग्लिश में लिखी हुई जो हमको समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान रखना है, कहीं कुछ भी गलती नहीं होने पाए। उसका देखिए कि थंब का अच्छी तरह ध्यान रखिए, कभी बोलता है राइट थंब लगाइए, कभी बोलता है लेफ्ट थंब लगाइए, तो वहाँ पे उसको अच्छी तरह ध्यान दीजिए। उसका देखिए सिग्नेचर जब करवाता है तो कहीं पर लिखा था हिंदी में सिग्नेचर कीजिए, कहीं बोलता है इंग्लिश में सिग्नेचर कीजिए, और जहाँ पर लिखता है कि नॉर्मल आप सिग्नेचर कर दीजिए, तो आप मैक्स आप जब हर एक जगह पर, जैसे कि हम हमेशा इंग्लिश में सिग्नेचर करते हैं, तो हम कहीं पर भी बोलेगा हमको सिग्नेचर करना, हम इंग्लिश में ही सिग्नेचर करेंगे, लेकिन बहुत लोगों की आदत हो जाती है वो कभी इंग्लिश में कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में कभी हिंदी में। तो आप फॉर्म भरते समय जिसमें आप सिग्नेचर करते हैं नॉर्मली जिस सिग्नेचर करते हैं वो सिग्नेचर कीजिए, चाहे हिंदी या चाहे इंग्लिश कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी रूप में सिग्नेचर कर सकते हैं। और लेकिन जब बोले कि हिंदी में करना है तो आपको हिंदी में ही करना है, जब बोले इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में ही करना है, तो इस बात पर ध्यान रखना है। तो ये सब रहा टेक्निकल। उसके बाद देखिए रोल कोड, रोल नंबर, पिन नंबर, इस सब में कन्फ्यूजन हो जाती है, तो रोल नंबर लिखा तो वहाँ पर रोल नंबर, रोल कोड रोल नंबर ही भरना है, रोल कोड या फिर पिन नंबर जब उसी वही चीज़ भरना है, एग्जाम सेंटर का नाम बोलता है भरने के कोड बोलता है वो चीज़ भरना है, यानी रोल नंबर और रोल कोड में बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाता है, रोल नंबर जब रोल कोड भर देता है और रोल कोड जब रोल नंबर भर देता है, इससे उसका रिजल्ट खराब हो जाता है। तो यानी कि आपको कैसे आंसर देना है, जो भी चीज़ है इंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से पढ़िए, और समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो बगल वाले से पूछिए या फिर टीचर या फिर जो भी आए उससे पूछ सकते हैं, और इस रूप में आप सिग्नेचर कीजिए। ये अटेंडेंस जरूर बनाइए, दो बार आता है अटेंडेंस बनाने के साथ, उसका फिर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जा रहे हैं, तो उससे पहले क्या कीजिए, आपके पास यदि कंप्यूटर का पहले से प्रैक्टिस नहीं है तो आप माउस चलाने का प्रैक्टिस आप पहले से कर लीजिए, 3-4 सेट आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं साइबर कैफे में जा करके, और वहाँ पर कीपैड का यूज नहीं किया जाता है, कीपैड को साइड में हटा कर रख दिया जाता है, और सब कुछ सब काम आपका माउस से ही होता है। तो यानी ये सब फॉल्ट रहा है, यानी कि एग्जाम देने से पहले एग्जाम सेंटर पे और विथ क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन के साथ क्या करना है उसका फिर देखिए जब लास्ट में। हाँ, एक टिप मैं और देता हूँ, जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम होती है ना, तो इंस्ट्रक्शन को ऐसे आपके पास जो टाइम रहेगा ना, 90 मिनट का टाइम, जैसे ग्रुप डी एग्जाम में 90 मिनट टाइम, तो उस 90 मिनट के टाइम में आपको मिलेगा 90 मिनट टाइम, आप चाहें तो उसको 10 मिनट लेट भी शुरू कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी बाजी में उसको पहले शुरू करने की कोशिश मत कीजिए, कि उस टेस्ट को पहले सभी इंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद जब देखिए आसपास सब स्टूडेंट शुरू कर चुका है, उसका 5-7 मिनट निकल चुका है, उसके बाद आप शुरू कीजिए आराम से, ताकि उस सबको जो भी फॉल्ट आए आसपास में, तो वो सब जब बोले मेरा ये फॉल्ट हो रहा है, मेरा ये फॉल्ट हो रहा है, तो वो फॉल्ट आप पहले से ही दूर कर सकें, आपको इससे आपको क्या हुआ, आपका टाइम लॉस नहीं जाएगा। तो ये सब टेक्निक रहा एग्जाम देने का। उसका फिर लास्ट में जब होता है तो ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाती है, लास्ट में कुछ भी नहीं करना, वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाती है, फिर आपके पास मैसेज आता है। तो इस रूप में आप एग्ज़ाम, वैसे मैं इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि, तो प्लीज़ इस वीडियो को आपको मेरा बात यदि पसंद आया हो, ये सब बात मैं अपना एक्सपीरियंस से बताया और जो मैंने केस स्टडी देखा उसके दम पे, और थैंक यू सो मच देखने के लिए। हम फिर से मिलते हैं आपको ट्रिक नंबर 3 में, जो कि टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। तो थैंक यू सो मच, आपको हमारी बातें ये सब पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों भी शेयर कीजिए, और पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना। और आप लोग जाते हैं कि जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं सबका आपको तैयारी करना है, तो हमारा वीडियो कोचिंग या फिर नोट्स या फिर डायरेक्ट आके कोचिंग ही पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, और हम ये सब चीज़ तरीक़ों को अपनाएं, और हम आज हम ये चीज़ किए, लोको पायलट बने, SSC LDC किए। थैंक यू सो मच, देखेंगे फिर से मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।